प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में स्वदेशी तेजस विमान से उड़ान भरी। पीएम मोदी शनिवार को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी पहुंचे थे। पीएमओ के मुताबिक उन्होंने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण भी किया। उड़ान के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि तेजस पर सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की, ये अनुभव अविश्वसनीय था। इस अनुभव ने हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं में मेरे विश्वास को काफी हद तक बढ़ा दिया है। इसने हमारी राष्ट्र क्षमता के बारे में मुझमें नए सिरे से गर्व और आशावाद की भावना जागृत की है। दरअसल तेजस एयरक्राफ्ट की सर्वाधिक स्पीड 1.6 मैक है। 2000 किलोमीटर की रेंज को कवर करने वाले तेजस का अधिकतम थ्रस्ट 9163 kgf है। इसमें ग्लास कॉकपिट, हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले, मल्टी मोड रडार, कंपोजिट स्ट्रक्चर और फ्लाई बाय वायर डिजिटल सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर्स हैं। इस जेट पर 2R-73 एयर टू एयर मिसाइल, 2000 lbs क्षमता के बम और एक लेजर डिग्निशन पॉड और 2 drop tanks हैं। तेजस स्वदेशी चौथी पीढ़ी का टेलल कंपाउंड डेल्टा विंग विमान है। ये फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड डिजिटल एवियोनिक्स, मल्टी मोड रडार में लैस लड़ाकू विमान है। तेजस चौथी पीढ़ी के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों के समूह में सबसे हल्का और सबसे छोटा है। ये लगभग सभी मामलों में चीन और पाकिस्तान पाक द्वारा MiG-21 की नकल कर बनाए गए थंडरबर्ड से बेहतर है। जब बेहतरीन इंटरनेशनल एयर शो में तेजस को प्रदर्शित करने की बात की गई थी, तब पाक और चीन ने बेइज्जती से बचने के लिए थंडरबर्ड को वहां से हटा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2019 में बेंगलुरु स्थित HAL हवाई अड्डे से तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी। वे स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने थे। आज की हमारी ये खबर यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे शब्दसाची के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।